एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, अलग अलग टेस्ट की होती हैं, ठीक है। कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं। एसिड्स हुए जो क्या होते हैं, सो टेस्ट के होते हैं, और जो बेसिस हुए वो बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से जो आप डे टू डे लाइफ में चीज़ें खाते हो उनको बांटा गया है, ठीक है। तो ये तो पता लग गया कि एसिड बेस क्या होता है, अब वो रिएक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, अब लिटमस पेपर क्या होता है, और जो मेटल नॉन मेटल कैसे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, उस सब के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, खाते हो ना अब सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो एसिड पता लग गया, सो टेस्ट के होते हैं, बेसिस क्या हुए, बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्यों, ओवर ईटिंग कर लेता है या कुछ और कारण से भी हो सकती है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे उस प्रॉब्लम को। अगर आपको एसिड एंड बेस का कंसेप्ट पता होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो उसकी प्रॉब्लम को कैसे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या क्या देखोगे, पहले कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हम उसमें क्या देंगे, उसको बेस देंगे, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि इसको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या देते हो, इनो। इनो में क्या होता है, बेस। क्यों, क्या रिएक्ट करके क्या बनता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब एसिड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सो टेस्ट के होते हैं। अब लिटमस पेपर होता है, वो डिटेक्ट करता है कि ये एसिड है बेस। क्यों, अब डिटेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी हमें किसी और की, क्योंकि जो एसिड एंड बेस है हो सकता है हमारे लिए हार्मफुल हो, ठीक है। अब नया कोई चीज है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एसिड है बेस है, वो कैसे हमारे ऊपर वर्क करेगा, तो वो हार्मफुल भी हो सकता है, तो उसको चेक किया जाता है कि एसिड है या बेस है, ठीक है। जो एसिड होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, लिटमस पेपर को, लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ब्लू टू रेड, ठीक है। किसको, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर होता है क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, जो हेल्प करता है हमें बताने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। अब एसिड को पता लग गया, बेसिस के केस में क्या होता है, ठीक है, लिटमस पेपर है, ठीक है, तो ये क्या होता है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इससे आप पता लगा लोगे कि ये चीज है वो एसिड है बेस है, फिर आगे के प्रोसेस आप फॉलो करोगे, ये तो पता लग गया। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो यूज की जाती हैं आपके इंडिकेटर की तरह, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि टर्मेरिक पाउडर डेली यूज करते हो ना, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब वो कपड़े धोते हो आप, तो अगर आपके ड्रेस में अगर हल्दी का दाग पड़ गया हो तो क्या होगा, वो तो वो रेड कलर का हो जाता है, और जब कपड़े सुखा दिए तो क्या होता है, वो येलो कलर का हो जाता है। क्यों, बेस में वो रेड कलर का हो जाता है, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। फिर आप यूज करते हो फिनाइल मिथाइल ऑरेंज, ये क्या होते हैं आपके इंडिकेटर, जो आपको देखे इंडिकेटर नाम से ही समझा रहा है, इंडिकेट करता है किस चीज को, बताता है एसिड है या बेस है, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, ये हमारे हेल्प करता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, अब जो एसिड है बेस है ये कैसे पता लगाएंगे हम, कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, कैसे ये किसी और के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसकी, एसिड एंड बेसिस की, ठीक है। तो एसिड बेस की क्या करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेक, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग केमिकल, पता है आपको क्या होता है केमिकल, जो इंटरनल लेवल पे चेंज होता है, ठीक है, जो इंटरनल लेवल पे चेंज होता है किसमें, एसिड एंड बेस में, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब लैबोरेटरी है तो उसमें क्या चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, लैबोरेटरी में हम कुछ केमिकल्स ले लेंगे, ठीक है, उनको चेक करेंगे कि एसिड है एंड बेस, कैसे, सिंपल मेथड से, लिटमस पेपर यूज करेंगे, लिटमस पेपर में क्या होगा, अगर वो रेड कलर का हो गया इट्स मीन एसिड, अगर वो ब्लू कलर का हो गया तो इट्स मीन वो बेस हो गए, ठीक है। तो
समझ आ गया ये, ठीक है। अब कुछ जो होते हैं ना एसिड इंडिकेटर होते हैं, जब उनको एसिड या बेस में डाला जाए तो वो ना स्मेल ही चेंज कर देते हैं। जैसे पहले किसी और स्मेल होगी, ठीक है, बाद में क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। कैसे, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी क्या इंडिकेटर, ठीक है। जो क्या करते हैं, जिनकी स्मेल ही चेंज हो जाती है, कब, जब वो एसिड एंड बेस में डाले जाए, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है, आप क्या करोगे, अनियन है, होता है आपके घर में, तो उसको छोटा छोटा काटोगे और ना पॉलिथीन बैग में रख दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप उसको लपेट के रखना और अगले दिन एक्सपेरिमेंट करना, उस पर एसिड डालना और बेस डालना, देखना उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, ठीक है। और वैसे ही ऑयल है, क्लोव ऑयल है, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, एसेंस चेंज हो जाती है, ठीक है, ठीक। तो उसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन कौन से आगे, अनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला, ठीक है। ये क्या है, आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब स्मेल चेंज हो जाती है किसके साथ, जब उसमें एसिड है बेस डाला जाए, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्मेल से ही कि एसिड है या बेस है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कुछ रिएक्शन, एसिड एंड रिएक्ट कैसे करते हैं। देखो फर्स्ट आता है आपका कि एसिड रिएक्ट कैसे करते हैं, मैटर के साथ और नॉन मैटर के साथ। आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है, नॉन मैटर क्या होता है। मैटर होते हैं जो लस्टर्स होते हैं, नॉन मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लस्टर्स नहीं होते, ठीक है। 9th class में पढ़ा है ना, पीरियोडिक टेबल के जो इस साइड आते हैं वो मेटल आगे, जो उस साइड आते हैं वो नॉन मेटल आगे, ठीक है। अब हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल, ठीक है, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा एसिड। देखो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसमें क्या लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। उसमें क्या डाला और मैटर कौन सा लिया, जिंक, ठीक है, जिंक लिया, रिएक्शन करवाई गई। तो देखो क्या होता है, देखो बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है। इससे शो होता है जब एसिड, ठीक है, एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये है मैटर, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होगी, तो पता लग गया ना कि जब एसिड रिएक्ट किए मैटर के साथ तो क्या होता है, क्या होता है, सॉल्ट निकलता बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्लियरली शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या नॉन मेटल्स भी ऐसे रिएक्ट करते हैं, एक जब नॉन मेटल्स का रिएक्ट किया जाता है एसिड के साथ तो क्या होता है, जैसे कि आपके क्या करना है अभी हमें, बेस रिएक्ट करते हैं आपके किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या होता है, ठीक है। बेसिस एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका रिएक्ट मैटर के साथ कराते हैं, जिंक के साथ करवाते हैं, प्लस जिंक, देखो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनेगा, टू जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसे समझ आ गया कि जो बेस है रिएक्ट करता है जब मेटल के साथ तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, समझ आ गया। मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या आता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है, जब आप एसिड्स का रिएक्ट करवाते हैं मेटल हाइड्रोकार्बन के साथ और मेटल इसके साथ कार्बोनेट के साथ तो क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है अभी हमें, जो आपके एसिड्स होते हैं उनका रिएक्ट करवा जाए किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, तो क्या होता है। देखो एक टेस्ट ट्यूब ली, जिसमें क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट करवाया किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, क्या होता है, क्या फॉर्म करेगा ये, वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 इवॉल्व करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस एसिड
क्या रिएक्ट करेगा, इसमें भी क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा और क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिवॉल्व होगी। ठीक है, क्या बना देखो, बैलेंस करके लिखना है इसको। ठीक है, तो क्या बना आपका, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, गैस इन्वॉल्व हुई जब आप रिएक्ट करें सोडियम मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब लाइम वाटर है, लाइम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, देखो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा, इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस। ठीक है, बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है कि मार्बल्स को बनाने के लिए मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, इसके अंदर में एडिशन करके और चीजें मार्बल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, मार्बल्स का, टाइल्स का, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर ये रिएक्ट कर गया किसके साथ, वाटर के साथ, हुआ ना CO2। ठीक है, क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा कैल्शियम ब्रैकेट में और क्या बनाएगा, H कार्बोनेट का ट्वाइस। ठीक है, ये बन गया, आपको पता लग गया कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल चॉक्स का मेन कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये क्या था, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करे किसके साथ, आपके एसिड के साथ। ठीक है, अब ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एसिड और बेस को रिएक्ट किया जाए तो क्या होता है, चलो एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें क्या लिया उन्होंने, एसिड लिया HCl प्लस, क्या किया उन्होंने, दूसरा क्या लिया, क्या बेस ले रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं ना एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आ गया NaCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये ना, तो क्या बनेगा। ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, लास्ट चैप्टर में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें डिस्प्लेस हो रही है ना, तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड प्लस बेस। ठीक है, समझ आ गया, जब सॉल्ट एसिड एंड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, नलीफाई कर देते हैं एसिड एंड बेस को, न्यूट्रलाइज कर देते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, देखो अब किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, इनो लेते हैं, क्यों, इनो क्या होता है, बेस होता है, जो क्या करेगा एसिड एंड बेस को मिला के वो क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो एसिड्स होते हैं अगर उसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, किसके रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट विद एसिड। ठीक है, क्या करना है, रिएक्शन विद मेटल किसके, ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, एसिड का रिएक्ट किया जाएगा मेटल ऑक्साइड के साथ। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ली, कॉपर ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड प्लस सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, रिएक्ट करके क्या बन गया, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या था, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एसिड, क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, बना ना, जब आपने पढ़ा था कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, वैसे ही जो मेटल ऑक्साइड है, अब एसिड तो ये है, मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड, क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड विद नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। क्या करेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड का रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, बेसिस के साथ, विद नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस। ठीक है, कैसे कराओगे। ठीक है, नॉन मेटल क्या ले लोगे आप, नॉन मेटल ले लिया माना आपने कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड है प्लस बेस कौन सा लोगे आप, क्या ले लोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपका नॉन मेटल, ठीक है। अब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। बैलेंस देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट वो हो गया, वाटर निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या है? जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो आपके बिहेव करते हैं एसिड, ठीक है। तभी तो एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं। क्या बनाया? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो समझ आ गया रिएक्शन किसके साथ? नॉन मैटर के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्या एसिड एंड बेस में कुछ कॉमन है? ठीक है, हमने स्टडी किया कि था जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं मैटर के साथ तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब एसिड एंड बेस दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आपका सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, क्या उसमें और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है? देखो, साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं चलती, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है आपका, जैसे कि आप पिक्चर में देखते हो, ठीक है। इन्होंने बीकर लिया, कॉक ली, कॉक में दो नेल्स लगाई और क्या लगाया? 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद उन्होंने क्या किया? एक बल्ब लगाया, देखा कि एसिड कैसे बिहेव करता है और बेस कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, इन्होंने लिया अलग अलग सॉल्ट लिए, जैसे ग्लूकोज लिया, एसिड्स लिए, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? लिबरेट करते हैं एच पॉजिटिव आयन, ठीक है। और क्या होता है? जो बल्ब लगा है इसमें एसिड के केस में वो ग्लो करता है। बट व्हाट अबाउट ए बेस? बेस में ना क्या होता है? एच पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होता, तो क्या होता है? वो बल्ब ग्लो नहीं करता इन केस ऑफ ए एसिड, ठीक है। और इन केस ऑफ ए बेस, बट एसिड के केस में क्या है? एच पॉजिटिव आयन रिलीज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और क्या होता है? बल्ब ग्लो कर जाता है, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि क्या होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है, जो एसिड है उसको अगर रिएक्ट किया जाए वाटर के प्रेजेंस में या किसी और के प्रेजेंस में तो क्या होता है? जैसे कि एक बीकर लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ली या बीकर जो भी लेना है, ठीक है, उसमें क्या डाला? NCl डाला, ठीक है। और क्या हुआ? आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो देखा गया कि क्या उसके केस में भी एच पॉजिटिव आयन रिलीज होता है या नहीं? तो ऑब्जर्व किया कि उसके केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो जो आपका एसिड है वाटर के केस में आपका एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, क्योंकि वो वाटर में ना हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, जैसे कि HCl है, एसिड है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन H3O, ठीक है। और क्या करता है रिलीज? प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो ये इस रूप में रहता है तो करके वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। बट अगर किसी और के केस में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अब एसिड केस में पता लग गया, बट व्हाट अबाउट बेस? बेस के केस में होता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया प्लस आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? आपका बन जाएगा, क्या निकलेगा आपका? OH नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव। ऐसे ही और के केस में होगा, सोडियम ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट हुआ तो क्या बन जाएगा? K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इट्स मीन बेस के केस में OH निकलता है, ठीक है, और एसिड के केस में क्या होता है? आपका H पॉजिटिव आयन निकलता है। ये डिफरेंस है आपका एसिड एंड बेस में, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी तो एसिड एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे और बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे। अभी पढ़ा था जब एसिड प्लस बेस को रिएक्ट किया जाए तो क्या बनता है? आपका सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ आ गया क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या जब एसिड को रिएक्शन की जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या वो एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक? हमने स्टडी किया है एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो हीट देते हैं, एंडोथर्मिक जिन्हें हीट चाहिए होती है। जो एसिड्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक नेचर के। जैसे कि क्या किया? बीकर लिया, उसमें क्या डाला? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ऑब्जर्व किया कि जो ये बीकर है, ठीक है, इसमें क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है, तो ये क्या है? हीट देगा, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या होंगे? एक्सोथर्मिक, ठीक है, जो हीट देते हैं वो क्या आते हैं आपके? एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन किया जाए एसिड के साथ तो ध्यान रखा जाए कि ये हीट इवॉल्व करते हैं, तो हो सकता है वो आपको हार्मफुल बन जाए, ठीक है। जब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। तो जब आपका रिएक्शन करवाएं तो देखना कि जब आपने सल्फ्यूरिक पहले वाटर रख दिया किसी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आपने धीरे धीरे आपने क्या करना है, इसे डालना और उसको स्टायर करते रहना है, ताकि अगर हीट निकले भी तो थोड़ी थोड़ी निकले और उसका हमारे पे डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए एसिड में वाटर डाला जाता है या वाटर में एसिड, तो याद रखना वाटर में एसिड डाला जाता है, ठीक है, बट ध्यान से प्रॉपर एक्सपेरिमेंट। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। तो समझ गए आपको, आई थिंक एसिड एंड बेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि कैसे पता लगेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब हमारी जैसे क्लास में ले लो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं। तो वैसे ही जैसे कि उनको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो वैसे ही एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना हार्म पहुंचा सकता है हमें, या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा जो भी मेरे चैनल पे एक्टिविटी होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।